राधे राधे आप सभी दोस्तों को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या पर दान का महत्व और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन पंचांग के अनुसार हर माह की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। इस बार ये अमावस्या सोमवार को है, इसलिए ये सोमवती अमावस्या है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अक्षत प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और अच्छे प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। आइए दुष्टाचार जिसे जानते हैं। सोमवती अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करने से पितर प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन कपड़ों का दान करें। जिस तरह से मनुष्य को मौसम के अनुसार कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह पितरों को भी कपड़ों की ज़रूरत होती है। इस बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इसी वजह से सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्रों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धोती और गमछा दान करना चाहिए। कपड़ों के दान के साथ ही इस दिन चांदी की चीज़ों के दान का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितर लोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है इससे पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और सोमवती अमावस्या पर तीसरा दान है सफ़ेद चीज़ों का दान करना। सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं जैसे कि दूध और चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से नाराज पितर भी खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है और वंश की वृद्धि होती है। और सोमवती अमावस्या पर काले तिल के दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में काले तिल का दान बेहद अहम माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप पितरों को ध्यान करते हुए काले तिल का दान करें। इसके बाद बाकी जो भी वस्तुएं दान करें उस दौरान हाथ में काले तिल लेकर दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से ये वस्तुएं पितरों को प्राप्त होती हैं और वे अपने वंश से प्रसन्न रहते हैं। इसके साथ ही इस दिन भूमि के दान का भी विशेष महत्व है। अगर आप क्षमतावान हैं और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। यदि आप सक्षम हैं तो इस दिन भूमि दान जरूर करें और सोमवती अमावस्या पर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया है वे लोग सोमवती अमावस्या के लिए पितरों के लिए पिंडदान जरूर करें। अमावस्या पर पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो यदि आपने पिंडदान नहीं किया अपने पितरों का तो इस सोमवती अमावस्या पर जरूर करें। तो दोस्तों ये थे वो दान जो कि हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाएंगे और पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि और वंश प्रगति होने का आशीर्वाद मिलेगा। तो सोमवती अमावस्या पर अपनी ज़रूरत और सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।
दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम भी वर्षों से सही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि इसे हम दूर नहीं कर सकते। ये एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझ कर हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।